प्रॉपर्टीज ऑफ ठीक है, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ वेदम का पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड मैंने देख लिया था, ठीक है। आज देखिए हम प्रॉपर्टीज ऑफ वेदम का पार्ट वन, तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैंने देखा था पार्ट वन पार्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ वेदम, मतलब कि मैंने देखा था टोटल सेवन प्रॉपर्टीज, ठीक है। आज देखिए एट नाइन टेन यानी सेवन प्रॉपर्टीज से आज हम रीड करते हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज नंबर एट। तो प्रॉपर्टीज नंबर एट बोलता है कि लॉग ऑफ एम टू द बेस ए, लॉग ऑफ एम टू द बेस ए, जिस पर हम लिख सकते हैं log of a to the base b upon log of a to the base b, यानी अगर किसी भी लॉगरिथम में, ठीक है, अगर log of m to the base a है, ठीक है, तो उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी a में ये जो नंबर है उसको ऊपर एंड ये जो है बेस जो है उसको नंबर बनाकर नीचे लिख सकते हैं आप, ठीक है, इस प्रकार से, ओके। तो चलिए हम इसका नंबर क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, ओके। और कहते इसको एक बात और, इसको बोलते हैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बेस चेंजिंग फॉर्मूला बोलते हैं, बेस चेंजिंग फॉर्मूला बोलते हैं। तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो लेट्स मान लेते हैं log of m to the base a equal to x, log of m to the base a equal to x माने का क्या मान लेते हैं, ठीक है। अब गाइस अगर यहां पर ये लॉगरिथम फॉर्म है, हम चाहते हैं कि इसको स्क्वायर रूट फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो क्या लिख सकते हैं, a की पावर x m लिख सकते हैं, ओके। अब ये यहां पर हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं बेस को b लेते हुए, दोनों तरफ लॉग लेते हैं बेस को b लेते हुए, ठीक है। तो टेक लॉग ऑफ बेस b, तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ a टू द बेस a की पावर x टू द बेस b दिस इक्वल टू लॉग ऑफ m टू द बेस b हो जाएगा, ओके। चलिए इसको और सॉल्व करते हैं, हम हमें मिला क्या, इसको और सॉल्व करते हैं, क्या है कि नंबर की पावर में यहाँ पे प्रोडक्ट ला जाएगा, तो लिख सकते हैं x इनटू log of a टू द बेस b दिस इक्वल टू log of m टू द बेस a, ओके गाइस। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा log of m टू द बेस a अपॉन log of a टू द बेस b। तो गाइस यहाँ पर देखिए मैंने x बराबर माना था log of m टू द बेस a, तो मैंने मैं यहाँ पर x का x बराबर m टू द बेस a लिख सकता हूँ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, log of m टू द बेस a इज इक्वल टू log of m टू द बेस b अपॉन log of a टू द बेस b, ये आपका प्रूफ हो गया। तो सर गाइस ये बेसिक फार्मूला तो आप क्या किसी का याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज नंबर 9। ये बोलता है log of m to the base a which equal to लिख सकते हैं आप 1 upon log of m to the base a to the base n, ठीक है, a to the base n। यहां पर मैंने क्या किया कि जब इसे अपॉन डेन इसको इसको अगर गैडी गैडी उल्टा किया, तो m को यानी जो नंबर था उसको मैंने बेस बना दिया है, ये क्या था बेस था जिसको मैंने क्या नंबर कन्वर्ट किया, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का पता प्रूव करते हैं, तो सो गाइस चलिए इसको ऐसे कीजिए, आप क्रॉस वर्ड पे लिख सकते हैं, इसको क्रॉस वर्ड में लिख सकते हैं, तो क्या मिलेगा log of m टू द बेस a इनटू log of a टू द बेस a दिस इक्वल टू 1 मिलेगा, ठीक है। अगर मैं इसको प्रूव करके वाला रखता हूं कि ये फार्मूला क्या है, इट्स सेम, ठीक है। तो सर गाइस देखिए यहां पर हमें है log of m टू द बेस a इनटू log of a टू द बेस a दिस इक्वल टू 1, ओके। इसको लिख सकते हैं ये प्रॉपर्टीज नंबर x, ठीक है, प्रॉपर्टीज नंबर x लिख सकते हैं log m अपॉन log यानी आप कुछ बेस में लिखना नहीं है, log of m to the base b, log of a to the base b लिख सकते हैं, लेकिन ये सारे बेस लिखकर लोग बाय लोग ठीक है, सेम आया था बेस में लिखा, ओके। तो क्या होगा log m upon log a into log a upon log m हो जाएगा, दिस इक्वल टू 1 हो जाएगा, करना प्रूव करा, लेकिन ये जो ये इसे क्या करें कैंसिल कर रहे हैं, तो 1 छोड़ के क्या होगा 1 हो गया, इसका मतलब ये फार्मूला क्या बिल्कुल सही है, ओके गाइस। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम, ठीक है, इसके बाद आप फटाफट थोड़ा सा स्केच करेंगे कि e की पावर log ऑफ a की पावर log ऑफ m टू द बेस a दिस इक्वल टू m, यानी गाइस e की पावर log ऑफ m टू द बेस a यानी लॉगरिथम का बेस एंड ये यहां का नंबर अगर सेम रहता है तो उस लॉगरिथम का वैल्यू जो है उसके नंबर के इक्वल हो जाता है, ओके। तो चलिए इस फार्मूला का क्या करते हैं प्रूफ देखते हैं, फॉर्मूला क्या करते हैं प्रूफ देखते हैं, ठीक है। तो लेट्स मान लेते हैं कि log of m to the base a इज इक्वल टू x,
log of m to the base a छोड़ने क्या मारा मैंने x मारा ठीक है। अब यहाँ पर ये टर्म जो है लॉगरिथम फॉर्म में है, हम इसको क्या करेंगे, हम एक्सपोनेंट को फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं ये की पावर x = m। तो सो गाइस यहां पर देखिए समझ के इक्वेशन ये फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को देखते हैं यहां से एंड ऐसा करते हैं कि x का वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं तो हमें m मिल जाएगा ओके। तो x का वैल्यू क्या करते हैं इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं ओके। तो हमें मिल जाएगा a की पावर log of m to the base a = a। ये भी फार्मूला तो क्या हो गया, प्रूफ हो गया ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चैन, नेक्स्ट क्या चैन मेटल, ये भी क्या है मेटल में प्रॉपर्टीज है। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 11, तो प्रॉपर्टीज नंबर 11 बोलता है कि log of a to the base b into log of b to the base c into log of c to the base d। यानी जब इस प्रकार से कोई लॉगरिथम प्रोडक्ट में आता है तो उसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लॉग भी है, तो अगर हम इसको प्रॉपर्टीज नंबर 8 के अनुसार क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं कि ये इसको कैसे कर देगा, सी वाला लॉगरिथम कैसे कर देगा, तो हमारे पास बचेगा नंबर में ए एंड बेस में बचेगा डी। तो हमें मिलेगा लॉग ऑफ ए टू द बेस डी, लॉग ऑफ ए टू द बेस क्या मिलेगा, डी मिलेगा। चलिए इसको प्रूव करके देखते हो। तो गाइस हमें दिया गया है लॉग ऑफ ए टू द बेस बी इंटू लॉग ऑफ बी टू द बेस सी इंटू लॉग ऑफ सी टू द बेस डी ओके। क्या दिया गया है, log of a to the base b into log of b to the base c into log of c to the base d ठीक है। which will prove करना है log of a to the base d। तो हम प्रॉपर्टी स्टेट के अनुसार देख सकते हैं log a upon log b into log b upon log c into log c upon log d। तो सर गाइस यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि कुछ टर्म कैंसिल कर रहे हैं ठीक है, यहां पर कैंसिल हो रहा है, ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये इसको कैंसिल कर रहा है। तो हमारे पास ये मिल रहा है log a upon log b, और हम इसको लिख सकते हैं log of a to the base d। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया ठीक है। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी नंबर 12। मैं देखूंगा लॉगरिथम का इक्वेशन ठीक है। तो सर आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा
क्वेश्चन एक के अनुसार इसको क्या लिख सकते हैं, log of 8 to the base 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां से सॉल्व हो जाएगा कि 2 के पावर कितना लिखा जा रहा है 3, आप सॉल्व कर दीजिए सिंपल से क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ log of 3 to the base 2 into log of 4 to the base 3 डॉट डॉट इस तरह से क्या आ गया इनटू log of n plus 1 to the base n which equal to b and which is 5। तो पूछता है फाइनल वैल्यू ऑफ n, तो फाइनल वैल्यू ऑफ n दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो क्या करना मुझे n का वैल्यू फाइंड करना। तो सर सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हमें दिया गया है log of 3 to the base 2 into log of 4 to the base 3 पर into इस तरह साथ हो जा रहा है and लिखा गया है log of n to the base n plus 1 to the base n which equal to 5 दिया है। तो मुझसे पूछ रहा है कि n का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए अगर मैं क्या करता हूं चार्ज प्लेस में तोड़ता हूं तो क्या हो जाएगा, ये 3 जो है इसको कैंसिल कर देगा तो बेस में यहां पर 2 बचेगा। ओके, एंड यहां पर n उसके का दिया कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर नीचे वाला बचा, यहां पर ऊपर वाला बचेगा। तो हमें यहां पर इसको देखना है किस तरह से हम log 3 upon log 2 into log 4 upon log 3। ठीक है, इस प्रकार से और लिखते जाएंगे हम, यहां पर लिखेंगे log n plus 1 upon log a which equal to 5। देखिए ये क्या हो रहा है, इसको कैंसिल कर दे रहा है। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर और अपन इसको कैंसिल कर देगा, इस प्रकार से ये कैंसिल इसको कर देगा, तो हमारे पास बचेगा log of n plus 1 upon log 2 इस ऊपर 2 लिख सकते हैं 5। ओके, यहां से देखिए हम लिख सकते हैं log of n plus 1 to the base 2 इस ऊपर 2 5। यहां पर लॉगरिथम फॉर्म में है, तो लॉगरिथम फॉर्म में इसको क्या करते हैं हम कन्वर्ट कर लेते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इस ऊपर 2 n plus 1, जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 32। ओके, तो n इस ऊपर क्या हो जाएगा 32 माइनस 1, तो n इस ऊपर 2 हमें मिल जाएगा 31। ओके, तो सर गाइस इस प्रकार का प्रॉब्लम आप इस प्रकार से सॉल्व कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया था कि इफ 3 इनटू x के पावर log of 2 द बेस 5 प्लस 2 इनटू log of x द बेस 5 व्हिच इक्वल टू 64। ठीक है, तो हमें क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मुझे क्या करना है x का वैल्यू फाइंड करना है। तो सो गाइस सबसे पहले देखिए क्या यहां पर कि हमें दिया गया है 3 इनटू x के पावर log of 2 द बेस 5 प्लस 2 इनटू log x का बेस 5 इज इक्वल टू 64। ओके, तो ऐसा करता हूं कि अगर मैं यहां पर 2 लेकर आ जाता हूं, ठीक है, यहां पर 2 लेकर आ जाता हूं तो यहां पर क्या 2 है, तो ये कॉमन हो जाएगा। ओके, यहां पर x को जगह पे कॉमन हो जाएगा, तो सॉल्व होने के चांसेस यहां से मिल रहा है मुझे। ठीक है, एक हिंस मुझे क्वेश्चन दे रहा है। ठीक, तो मैं लिख सकता हूं क्या 3 इनटू 2 के पावर log of x का बेस 5, मैंने क्या किया x एंड ये n के पोजीशन पे इंटरचेंज किया, प्लस 2 इनटू log x to the base 5 which equal to 64। so that यहां से क्या हो रहा है कि 2 in 2 के पावर log of x to the base 5 के अंदर कॉमन रहा है, तो मुझे भी मिल रहा है 3 plus 1, okay, which equal to 64। so guys यहां से क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर log of x to the base 5 into 4 which equal to into 4 हो जाएगा which equal to 64। इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो बचेगा 2 के पावर log of x to the base 5 is equal to 16। ओके, अब देखिए गाइस ऐसा करते हैं कि log of x to the base 5 is equal to 16 is equal to 2 के पावर 4, ये इसको क्या करेगा, इसको कैंसिल कर देगा, तो मिलेगा log of x to the base 5 is equal to 4। तो यहां लॉगरिथम को मैच इसको क्या करते हैं, एक्सपोनेंट को में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या मुझे मिलेगा
x is equal to 5 के पावर 4, इसको सॉल्व करते हो तो हमें मिल जाएगा 6 टू 5, फिर जो फाइनल आंसर। ओके तो गाइस इस प्रकार के प्रॉब्लम आप सॉल्व इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही ये चैप्टर खत्म हो उसके बाद कम से कम मैं आप लोगों को 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा, वीडियो सॉल्यूशन जो अरिहंत पब्लिकेशन के बुक से रहेगा, ठीक है। और ऐसे समझिए कि अरिहंत पब्लिकेशन के